देखिए, आज अर्बन डेवलपमेंट की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी का टूर यहाँ पे आया हुआ है। श्री जगदम्बिका पाल जी हमारे चेयरमैन हैं उनके नेतृत्व में, और जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं जैसे मल्टी लेवल पार्किंग है, ड्रेनेज सिस्टम है, ट्रैफिक कंट्रोल का सिस्टम है, या फिर यहाँ पे जो टॉयलेट्स इन लोगों ने बनाए, ये कई जगहों पे हम लोगों ने विजिट किया। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझ में आई वो डल लेक को लेकर है। उसमें काफ़ी पैसे, हजारों करोड़ रुपए उसकी सफाई में समय समय पे लगते रहे हैं, लेकिन आज तक उसकी सफाई का काम पूरा नहीं हो पाया। 75% डल लेक अभी भी गंदगी का शिकार है। शिकारा वालों से हम लोग मिले, जिसमें उन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई कि उनके जो शिकारा हैं वो पुराने हो गए हैं, उसको ठीक करने के लिए और उनको अलग से एक प्रोजेक्ट उनके लिए बनाने की ज़रूरत है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स सामने आई हैं, और जो इन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं वो भी इन्होंने दिखाया है। ये पूरी एक कंप्लीट रिपोर्ट बना के हम लोग गवर्नमेंट के सामने रखें। सर, आपकी एक आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही डल्ले के हवाले से, बट इसमें जो मेन फैक्टर है, आपने अगर डल्ले को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जितनी भी इर्द गिर्द उसकी लोकेलिटीज हैं, तो उनका जितना भी ड्रेनेज वगैरह जो भी है उसका सिस्टम, गवर्नमेंट ने खुद ही वहाँ ड्रेनेज का सिस्टम डल्ले में रखा हुआ है। वो गलत है, मुझे लगता है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, उसको फिर से एक बार ठीक करने की ज़रूरत है। उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से बात की है। वो आने वाला कल ही कहेगा, लेकिन फिलहाल एक डेवलपमेंट हो गई है हमारी हमसायदगी में, तो उसका तो कुछ ना कुछ असर जो भी होगा वो हर जगह जाहिर होगा, सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि ग्लोबली होगा असर जाहिर। तो कभी कैसे होगा, किस तरह चलेगा, क्या सिमत लेगा, वो तो उसके बारे में कोई कह नहीं सकता। सर, पीएचडी की मीटिंग है 24 अगस्त, तो वो कौन कह सकता है कि पहले से क्या जिससे कोई, लेकिन ये है कि मेरी इतला के मुताबिक है लार्जर होगा, ये महदूद नहीं होगा सिर्फ चार मेम्बरान पर, बल्कि और भी उसमें जो भी यहाँ के हैं सीनियर जो हमारे यहाँ सियासी फकफर है उन्हीं पार्टियों के से जो उसके साथ वाबस्ता है, शायद उन वो भी उसमें शिरकत करें। सर, डल लेक के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन अगर हम देखें श्रीनगर का डल लेक सबसे बड़ी डल लेक सबसे बड़ी चिंता की वजह है, और मैंने कल भी मीटिंग में ये हाईलाइट किया कि कैसे डल लेक इंक्रीजिंगली एक सेप्टिक टैंक में कन्वर्ज हो रहा है। तो और चाहिए ये कि जो वहाँ का, देखिए हम यहाँ से ही न्यूट्रिएंट्स उसमें डालते हैं वीड्स को ग्रो करने के लिए, फिर डिवीडिंग करते हैं, तो देखिए कैसे हम राउंड्स में जा रहे हैं। तो उसके बारे में, उस खासकर शिकारा वालों के बारे में मैंने कहा उनको स्मार्ट सिटी में लाइए, उसके दायरे में लाइए, ताकि उनको अगर सारे मुल्क में छोटे ताजरों को, छोटे दुकानदारों को मदद मिल रही है, उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो शिकारे वाले के लिए क्यों नहीं। तो वही वो बात, देखिए एसटीपी की ज़रूरत है, तेल वेल में एसटीपी की ज़रूरत है, ताकि रन ऑफ्स जो है अर्बन रन ऑफ्स वो डल में न जाए, और एग्रीकल्चर रन ऑफ्स, देखिए क्या होता है कि अर्बन रन ऑफ से न्यूट्रेट्स होते हैं, फास्फोरस होता है, पोटेशियम होता है, तो उसी से वीड्स बढ़ते हैं। तो ये अजीब सी पॉलिसी है। हाँ। एक तरफ आप उनको न्यूट्रेंट्स देते हैं, हाँ। दूसरी तरफ आप डिवीडिंग करते हैं, तो पैसा बिल्कुल ज़ाया हो रहा। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।